दादी भाभी माँ कुहू विशंबर मीनाक्षी देवयानी मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे राइट साइड पर विराजमान हो जाएं। ये सन्नाटा मुझे पसंद आता है और ग्रुप बी में अबीर और कुणाल से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज तुम दो दस दस के बराबर हो यार ओके। और सेंटर स्टेज लेने के लिए मैं अब बोलना बंद करूंगा और मैं बुलाना चाहूंगा इस शो के प्रोड्यूसर जो मॉडरेट करेंगे जो देखेंगे क्या होता है इस डिबेट से। स्वागत कीजिए प्रोड्यूसर राजन शाही जी का। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिबेट टू एक्चुअली मॉडरेट बिकॉज इसमें कुछ सही गलत है नहीं। इंडिया में जब कहते हैं कि शादी दो लोगों की नहीं होती परिवारों की होती है या आपको फिर बोला जाता है यार शादी तुम दोनों को निभानी है परिवार को नहीं तो सोच समझ के करो तो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जब हमने शुरू करा था शो ये रिश्ता क्या कहलाता है तो उसमें ये था कि एक जर्नी एक कपल की अरेंज मैरिज में कि प्यार कब होता है शादी के टाइम होता है हनीमून पीरियड में होता है जब बच्चा पैदा होता है या जिम्मेदारी आती है तब एक जर्नी बनती है और फिर आप उसे कहते हो कि हाँ ये प्यार है। तो आज 2019 में ये डिबेट आज भी कायम है विद न्यू जनरेशन दो डिफरेंट फिलोसफीज़ हैं विच आई थिंक यू गाइज कैन स्टार्ट डिस्कसिंग एंड आई ट्राई टू मॉडरेट दो आई एम द लास्ट पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट ऑन मैरिजेस एनीवेज। राधे कृष्ण। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता है सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है ना? अरे हम बस ये कह रहे हैं कि शादी हमारी है डिसीजन हमारा है लाइफ हमारी है तो आप हमारे लिए डिसीजन क्यों ले रहे हैं हमें अपने डिसीजन लेने दो ना हम ना समझ थोड़ी हैं। बेटा ये शादी बच्चों का खेल थोड़ी ना है बड़े ही हैं जो ये सारी चीजें सोचते हैं और दे टेक द राइट डिसीजन राइट। बिल्कुल सही। तो मतलब अभी हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते तो हो सकता है कि जब आपकी उम्र की हो जाए तब ये डिसीजन लें तो तभी शादी कर लेंगे क्यों? बच्चे आप लोग बात समझ नहीं रहे हो। देखो शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता इसके साथ बहुत सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं और इन्हें समझने में उम्र निकल जाती है। अरे सिर्फ दिल मिलने चाहिए सिर्फ दिल मिलने चाहिए। अरे आप लोग दिल क्या सिर्फ दो चार मुलाकातों में मिला लोगे? जब मिलोगे तो अपना बेस्ट पेश करोगे एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाओगे बट सोच जानने के लिए एक दूसरे की सोच जानने के लिए उम्र लग जाती है। आई बात समझ में? इसीलिए हम थोड़ा वक्त मांग रहे हैं कि जान सकें पहचान सकें पता तो चले किस इंसान से शादी कर रहे हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगी बेटा कि एक दूसरे को जानने के बाद यदि एक दूसरे को आपने इनकार कर दिया तो लड़का है ठीक है चल जाएगा लड़की का क्या? लड़की को समाज में रहना है परिवार में रहना है अगर उस लड़के के साथ शादी नहीं हुई है दूसरे के पास जब जाएगी तो उनके परिवार वाले क्या कहेंगे लड़की के बारे में? मतलब आप लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे औरों के बारे में नहीं यही फर्क है। अगर हम बड़े लोग कुछ तय करते हैं तो सब कुछ सोच कर तय करते हैं। बट समाज के पीछे लड़की की लाइफ तो ख़राब नहीं कर सकते ना क्या पता आगे जाके अगर लड़की को वो मिसट्रीट करते हैं उनके होने वाले पति या फिर उनको परिवार नहीं पसंद आता तो इस चक्कर में लड़की की लाइफ नहीं रोक सकते। तू फॉर बोल रहा है अगेंस्ट बोल रहा है? अरे मैं बोलो ना कि लड़की को फ्रीडम होना चाहिए ना डिसाइड करने का। एग्जैक्टली यस तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ समाज के लिए हम लड़की को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आपको इसी जगह पर जाना है या फिर हम उसकी फ्रीडम उससे छीन नहीं सकते। देखिए हम किसी की फ्रीडम छीनने की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बड़े होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है और बच्चों की खुशी भी चाहते हैं इसलिए जो भी सोचोगे और जो भी करेंगे बच्चों की खुशी के लिए करेंगे लेकिन सोच समझ के करेंगे। बच्चे कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसलिए तो हम खानदान देखते हैं संस्कार क्या है ये देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और हम सिर्फ लड़कियों की फ्रीडम की बात नहीं कर रहे लड़कों को भी हम सेम एडवाइस दे रहे हैं कि लड़कों को भी बताएंगे किस किसके साथ शादी करनी है तो जस्ट डोंट टॉक अबाउट लेडीज फ्रीडम ओके। पर मेरे हिसाब से तो शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है प्यार होना। क्या कहते हैं आप लोग?
प्यार तो हो जाता है क्योंकि शादी एक यात्रा है, एक जर्नी है, और हमारी भी शादी हुई थी तो हमने भी ऐसे ट्रे लेकर गए, लड़के को देखा, बड़े बुजुर्गों ने कहा, हमने हाँ कह दिया, और उसके बाद प्यार पनपता है, प्यार आगे बढ़ता है, वो भी तो एक सुखद, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, इट्स नाइस एक्सपीरियंस। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, टीम भी? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये डिसीजन हमें खुद लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सवाल है, सही हो या गलत, लेकिन डिसीजन हमारा होना चाहिए? आपको जिंदगी किसने दी है? माँ ने दी है, तो जब जिंदगी माँ ने दी है तो माँ आपके बारे में भी तो बिल्कुल अच्छा सोचेंगे, और आप सिर्फ स्वयं को लेकर सोच रहे हैं, सेल्फ, लेकिन जब परिवार के बड़े हैं तो वो सबको साथ में लेकर सोचते हैं। लेकिन ये हक जताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमने ज़िंदगी दी है, वो एक अलग इंडिविजुअल को ज़िंदगी दी है जिसका अपना दिमाग है, अपनी सोच है, अपना नज़रिया है ज़िंदगी को समझने का, और हो सकता है कि उसकी खुद की कुछ चाहत है, खुद मतलब वो खुद भी कुछ चाहता है, वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को बोल दो कि आपकी क्या चाहत है तो वो उस तरह की लड़की आपके लिए पसंद करेंगे, और फिर इससे बाद में पछताना ना पड़े। पर एक एक मुलाकात में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो बस बहुत सारे सजेशंस हो गए, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, एनी सजेशंस? वेल, राजन जी से पूछते हैं, उनका सजेशन क्या है? नहीं, मेरा सजेशन है जो भी करो सोच समझ के करो और खुद डिसाइड करो, और एक कॉन्फ्लिक्ट होने दो, जब तक कॉन्फ्लिक्ट मेरा शो नहीं चलेगा भाई। सो आई फील कि मुझे कुछ मॉडरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये डिबेट खुद ही चल रहा है, एंड एक्चुअली दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज रिलेशनशिप्स जो होते हैं, रिश्ते होते हैं, ज़िंदगी निकल जाती है, आप सोचते हैं यार ये प्यार था भी कि नहीं था, यू नो, एंड वॉट इज़ लव, वॉट इज़ द टाइम, आप कितना टाइम चाहते हो, कोई पीरियड है 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, वे यू से यू गेट टू नो अ पर्सन? कभी कभी ज़िंदगी निकल जाती है, यू रियलाइज़ दैट यू डोंट नो द अदर पर्सन, एंड स्पेशली आज हमारे सोसाइटी में जैसे हम इवॉल्व हो रहे, टेक्नोलॉजी आ रही है, फास्ट पेस्ड लाइफ है, एंड ऐसा कुछ स्मॉल टाउन बिग टाउन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ा अभी ना, एवरी थिंग इज़ अवेलेबल टू डेज यूथ, तो यूथ बॉयज़ गर्ल्स का अपना से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लाइक यू नो अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर पार्टनर इन लाइफ। सो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एक डिसीशन लेना है, विच लाइफ का कहते हैं सबसे बड़ा डिसीशन है वो, तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई फील दिस सब्जेक्ट इज़ एवरग्रीन। हमने 10 साल पहले भी इसको जब टच किया था, इट वॉज अगेन इट टच द कॉर्ड, बिकॉज रिश्ते, प्यार, लव, रिलेशनशिप्स, हम सब उससे गुजरते हैं, एंड सबकी एक यूनिक लाइफ में एक अपना एक यूनिक टेक होता है रिश्तों को लेके, एंड एवरी लव स्टोरी, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ यूनिक पार्ट। सो हाउ वी स्टार्टेड द जर्नी विद अर्लियर व्हेन वी डिड विद अक्षरा नैतिक, देन कार्तिक नायरा, so today in 2019 we have Mishti, we have Abhir, we have Kunal, we have Kuhu, and this beautiful family. So I hope the debate continues, and please do watch the show. Well, thank you so much. इस debate को, इस conflict को एक अनोखे अंदाज में हम देखेंगे, ये रिश्ते हैं प्यार के में, and सभी धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद, thank you माँ, thank you राजन जी, thank you so much, thank you Mishti, confused लग रही हो, काफी सारा confusion है तुम्हारे चेहरे पे, बहुत yes. बहुत confused हूँ मैं, थोड़ी माइक के साथ, माइक के साथ भी confused हो गई, इतना confusion चल रहा है लाइफ में, confusion थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं, आइए लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है एक ऑडियो विजुअल के जरिए कि उनके विचार क्या हैं, तो यू कैन टेक द हॉट सीट इन द मीन टाइम ताकि आप देख सको स्क्रीन, थैंक यू। यहाँ से ग्रुप ए ग्रुप बी ये बातें चल रही थी, तुमने ज्यादा कुछ वहाँ पे बोला ही नहीं, बया ही नहीं किया, तो कुछ मुझे लगता है कि हमें फैमिली वैल्यूज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन आई बिलीव कि हमारे पेरेंट्स को और फैमिली को हमारी नीड्स भी समझनी चाहिए, बदलते वक्त के साथ हमारे हमारी जनरेशन में जो चेंजेस आए हैं उसे भी समझना चाहिए, और जैसे कि हमारे पास बहुत हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, एंड देन हमें टाइम चाहिए रहता है, एंड इट्स नॉट कि एक दो महीने की बात है, पूरे लाइफ टाइम की बात है, तो शादी करने से पहले टाइम लेना चाहिए, और जब आपको गट फीलिंग आए कि यस ही इज़ द राइट पर्सन और शी इज़ द राइट पर्सन, देन यू शुड गेट मैरिड, एंड उसके लिए कितना भी टाइम लग सकता है, आई थिंक। या बहुत गौर से सुन रही थी आप Mishti को, और आप कुछ कहना चाहेंगी यकीन तो मैं एक माइक प्लीज नहीं वैसे भी बोल सकती हूँ आपकी आवाज़ तो बुलंद है, तेज है, पर फिर भी
मैं बिल्कुल एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी कि शादी का लड्डू है, जो खाए वो पछता है, न खाए वो पछता है, दोनों ही तरफ है। अगर हम इस तरह की बात करें कि हम एक दूसरे को जानेंगे, फिर पहचानेंगे, फिर करेंगे, पर इसकी क्या गारंटी है कि आप एक दूसरे को जानकर शादी करेंगे और वो सक्सेसफुल होगी? जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको परिवार की ज़रूरत पड़ेगी, और परिवार इसीलिए पहले से ही फार साइटेड होकर सोचता है कि भगवान ना करे अगर कोई ऐसी दिक्कतें आ जाए तो हमें हमारे बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए, उन दोनों को समझाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे बहुत सिर्फ मैं और अपना अपना इतना सोचते, पर हम जो बुजुर्ग हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं। आपकी बड़ी वाली स्माइल मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि पूरे टाइम आप फुल सीरियस थी और फिर आपने जो आखिर में जो स्माइल दी वो मुझे बहुत पसंद आई। मैं एक इस पे डिबेटेबल सवाल करूंगा कि जैसे सबने कहा गाड़ी खरीदते वक्त उन्होंने कहा कि एक साल लग गया मुझे गाड़ी खरीदने में, चलो खरीद ली, पसंद आ गई कार, हमने चलाई, 6 महीने बाद गाड़ी थोड़ी खराब हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? सर्विसिंग को दे देते हैं। या रिश्ते में ऐसी खराबी आई तो क्या करें? नहीं, वही तो मैंने कहा कि अगर रिश्ते में ईश्वर न करे, राजन सर हमेशा कहते हैं टच वुड, टू 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 ऐसा हमेशा करते, तो मैं भी ये कहूंगी कि रिश्ते में ऐसी खटास ना आए या ऐसी खराबी ना आए, पर यदि अगर ऐसी खराबी आ गई तो हम सब है ना। हाँ, नोक झोक होनी चाहिए पर आप संभाल लोगे। जी हाँ, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे बेटों के लिए हम बड़े सोच समझ कर, ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी आ गए एक दिन और उन्होंने रिश्ता लेकर आ गए, हम भी सोचते हैं कौन सा परिवार है, यदि हम श्रीवास्तव है तो वो श्रीवास्तव परिवार है, अच्छा अच्छा उनके माता पिता क्या करते हैं, उनके पिताजी कितने समय से जॉब में थे या उनका क्या बिजनेस, बहुत डिटेल वर्क करते, पर हम अपने तरीके से करते हैं और ये बच्चे थोड़े बेचैन हो जाते हैं और सिर्फ लड़का कैसा, ओह ही इज लुकिंग हैंडसम, ओह स्मार्ट, ओह वाओ, चलो। तो बेसिकली इनका कहना है कि आप भी आपका रिसर्च पूरा आरएनडी करके फिर तय करते हैं, पर हम अपने तरीके से करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके ओपिनियन के, थैंक यू। और इसके बावजूद मिष्टी का जो मिष्टी चेहरा है, जो प्यारा सा चेहरा है, वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है। मिष्टी, तुम्हारी कंफ्यूजन हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल कॉलर है, आप तैयार हैं उनके लिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो स्पेशल कॉलर जो है वो आएंगे इस स्क्रीन पे। कैन आई रिक्वेस्ट यू मिशी, यहां पे आ जाओ, बादशाह इन द हाउस। ये हमारे स्पेशल कॉलर। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड मिष्टी, कैसी हो? बढ़िया यार। मिष्टी, तूने अभी तक डिसाइड नहीं किया? नहीं किया, सब लोग ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। अरे, तुम्हारे लिए रैप वीडियोस भी बनाए, गाड़ी हो या फोन हो, घर हो या लोन हो, करते हैं हम कितना डिस्कशन, पर फिर भी कम नहीं होती कंफ्यूजन। जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, शादी है या मजबूरी नहीं है। शादी की तैयारी को जब चाहिए 4 महीने तो शादी के लिए हाँ कहने के लिए भी तैयारी होनी चाहिए ना। मेरे दिल की बात कह दी बादशाह, पर ये बात इन्हें भी तो समझाओ। एक अरे करेक्ट मिष्टी, ये बहुत सीरियस बात, लेकिन लेट मी गिव इट अ शॉट। थैंक यू गाइस, इट वाज लवली बीइंग हियर। मैं वीडियोस रिलीज कर रहा हूँ, आप वीडियोस देखें और आप लोग भी देखें और मिष्टी के इस सवाल पर गौर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। वेल, अ बिग थैंक यू टू बादशाह एंड मिष्टी। अब तुम्हारे चेहरे पे एक बड़ी वाली स्माइल आ गई है। बिल्कुल, एटलीस्ट बादशाह ने मेरी बात समझी एंड अभी अभी शायद आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि झट से शादी नहीं हो सकती। झट मंगनी पट ब्याह, वो ज़माना गया। अभी आपको पहचानना पड़ता है, इंसान को जानना पड़ता है कि एक दूसरे से कितने कंपैटिबल है। बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, वक्त बहुत ज़रूरी है। ये वक्त ही बताएगा कि क्या सही है। तो 18 मार्च से हम देखेंगे ना स्टार प्लस पर रात 10 बजे। क्योंकि ये रिश्ते हैं प्यार के, प्यार के। जैसे बादशाह ने कहा कि वो 2 वीडियोस रिलीज करने वाले हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम सारे सोशल मीडिया पर हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका धन्यवाद। आप स्टार प्लस के चैनल पर देख सकते हैं ऑनलाइन जो 2 वीडियोस रिलीज होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव ऑन सोशल मीडिया। और जो यहाँ पर बैठे हैं और बादशाह ने हमें इजाजत दे दी, आपकी इजाजत है, क्या आपकी इजाजत है? बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। तो आपकी परमिशन के साथ
स्क्रीन पर पेश किया जाए हमारे स्पेशल स्पेशल प्रोमोज ऑफ ये रिश्ते हैं प्यार के। चोरी तो इतनी स्वीट, ना बन तो इतनी ढीठ, चल जल्दी हाँ कर बेटा छिपी। चोरी तो इतनी स्वीट, ना बन तो इतनी ढीठ, चल जल्दी हाँ कर बेटा झट। नहीं हो सकता, शादी के लिए टाइम चाहिए। ये कोई एनुअल एग्जाम थोड़ी ना है, शादी तो है और शादी के लिए प्यार होना जरूरी है। बस शादी के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है। जरूरी है दिल में घंटी बजना, जरूरी है दिल में भरोसा जागना। अरे कब तक सोचोगी यार, जिंदगी है जी लो। बिना सोचे समझे भी जिंदगी जी जाती है क्या? कम ऑन, अब सोच के चलोगी तो कहाँ पहुंचोगी? अब डेस्टिनेशन पता नहीं होगा तो सफर कैसे अच्छा होगा? नहीं होगा सर, बिकॉज ये कभी समझती नहीं है। और सर हम बहने नहीं हैं। अच्छा, ये दो बहने नहीं है ये कहती है, अमर देयर ऑलवेज फाइटिंग। एक नया ट्विस्ट है बहनों की स्टोरीज पे। और यहाँ दो भाई हैं, कम अबीर एंड कुणाल। ये दो कहते हैं कि हम बहने नहीं है, और ये दो कहते हैं हम भाई हैं ना यार। हर बात पे कहते हैं हम भाई हैं ना यार। तो ये अजीब सी एक बॉन्डिंग है। एंड ऐसे ही कुछ प्यार के रिश्ते, कुछ तकरार, नोक झोंक नए रिश्तों को लेके आ रहे हैं, एक नई कहानी लेकर राजवंश आई एंड द इंटायर फैमिली। पूरी फैमिली को प्लीज रिक्वेस्ट है स्टेज पे आ जाए। आ जाइए प्लीज, आप भी आ जाइए, आप भी इसी परिवार का हिस्सा है। सिंघानियाज और गोइनकास का भी आना जरूरी है प्लीज। आइए प्लीज। सो 18 मार्च को 10 बजे आ रहे हम लोग नए रिश्तों की कहानी लेके, नया रिश्ता जोड़ने के लिए। आई वुड से कि अपना रिश्ता और मजबूत करने के लिए। और जैसे आपको पता है 10 साल से ज़्यादा हो गया है इस शो का फाउंडेशन जब स्टार्ट हुआ था, रिश्ता का कहलाता है, विद महेश्वरी फैमिली। महेश्वरी फैमिली, फिर सिंघानिया फैमिली आई, सिंघानियाज के बाद गोइनकास आए, और आज 2019 में 10 बजे आप देखिए एक नई फैमिली को, दैट इज़ अ राजवंश फैमिली। सो एक अमेजिंग फैमिली है ऑल दीज फोर फैमिलीज, जहाँ आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स नज़र आएंगे। मीनाक्षी who is the head of the family and her two sons, unka kaisa rishta banta hai maheshwari iske sath, goenka singhania se kaisa rishta banta hai inke sath, to ye kahani dekhenge sab kirdaron ki, and see you on 18th march. sare kirdar manch par hain, I'm sure media ke paas kafi sawal hain, unhe puchne hain, unke zehen mein kafi sare sawal honge is show ke bare mein, naye show ke bare mein. Floor is open, jo bhi sawal hai to aap apna haath upar kar le, hamare volunteers aapko mic de denge. Please go ahead. Please just raise your hand if any questions. Hi, this is Dharini from Delhi Chakkar. Sir, how much are you happy with the time slot of the show? Because you're both the shows are going to air at the 10 o'clock slot. So it's like, in short, you're giving both the shows will have a competition. I didn't get you. Both the shows? In short, both the shows are going to air at the same time slot. Your another show which airs on the sub TV, Bawle Utawle, at 10 o'clock. So, and this show has also got the time slot of 10 o'clock. Both the shows are very completely different genres altogether. And as a maker, I'm very, very conscious that there should be no conflict of interest. And they are such completely different genres altogether that the target audience, the kind of people we want to come for both the shows are completely different. So there's no conflict of interest. Thank you. Met you at a press conference, it was Saleem, and this is a completely different character. So what do you have to say about the transition from Saleem to this dapper looking Abir? See, as an actor, I feel very fortunate that I get such different characters to play. So I'm very happy, I'm excited because I have not played a character like this before. Yeah,
And as I said, I'm happy that I'm getting opportunities to play different characters on screen. Well, thank you so much. Thank you. Zordar taaliyan pure crew ke liye and all the best aapki puri team ko. Thank you. Group picture? Ek group picture. I'll get the mic here. Thank you. Here you go. Should I say that? Sabse behtareen mishti smile. De dijiye apne chehre pe. प्यारी सी स्माइल थैंक यू और काफी सारे लोगों के पास सवाल होंगे वन ऑन वन अगर सवाल पूछें तो आप इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं जो आजकल के सोसाइटी में बहुत वैलिड है और होपफुली हम लोगों को हेल्प कर पाएंगे इस सवाल के जवाब को ढूंढने ओके मैम आप कुछ बताना चाहेंगे काफी प्रिटी लग रहे हैं आप प्रोमो में और यहां पर भी आप काफी प्रिटी लग रहे हैं थैंक यू सो बेसिकली हम जैसे शहीद ने कहा हम इसी मुद्दे को उठाना चाहते थे आज भी हम इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया हमारी सोसाइटी में फिर भी हम शादी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन को टाइम नहीं देते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से और हमारे ये दिमाग में भी है कि हाँ एक दो कप चाय के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि लड़का अच्छा लगा या नहीं लगा या लड़की अच्छी लगी या नहीं लगी लेकिन ऐसा नहीं होता है आजकल के बच्चों की थिंकिंग अलग है उनकी नीड्स अलग है तो हम बस वही प्रेजेंट करना चाहते हैं समझाना चाहते हैं सोसाइटी को कि कितना इम्पोर्टेंट एक दूसरे को जाता है प्रोमो में देख रही जिस तरह से आप बहुत कन्फ्यूजन है सबके डिसीजन को लेकर सो अगर रियल लाइफ में ऐसा हुआ तो आप किस तरह से डिसीजन लोगे खुद से या फिर फैमिली से अगर रियल लाइफ में ऐसे हुआ तो मैं भी मिस्टी की तरह ही अपनी फैमिली से वक्त मांगूंगी इतना जल्दी तो डिसीजन नहीं लूँगी अपना ही डिसीजन का वेट कर रहा हूँ मैं व्हेन यू गेट द स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम दैट राजेश सर हैज कम विद यू व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि कुछ आजकल जैसे हमारे इंडियन टेलीविजन को ज़रूरत है जैसे शोज की वैसा शो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड शो जहाँ हम आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर वो ये और ऐसी कुछ चीज़ें जो थोड़ा पीपल कैन रिलेट लोग रिलेट कर पाएँ और अपने आप को देख पाएँ कैरेक्टर्स में किरदार में और जितना हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक रखें शो को जो मिस्टी के कैरेक्टर के साथ एक जो जर्नी जो लोग जिएंगे जो सवाल उनके दिमाग में भी उठेंगे इसके थ्रू वो मतलब वैलिड सवाल है वो आज की जनरेशन के सवाल हैं और हमारे इंडिया 80% तो विलेजेस जो जहाँ पे आज भी ये होता है और वो उन लाइक हम एक सोसाइटी को अच्छा मैसेज दे रहे हैं एक शो के साथ उससे बेटर और क्या हो सकता है ओके असल ज़िंदगी में क्योंकि आपके फैंस बहुत ही प्यार करते हैं आपको और असल ज़िंदगी में आपके बारे में जानना चाहते हैं तो क्या आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहिए कैसी लड़की चाहिए आपको जस्ट योर बिकॉज ऑफ योर फैंस कैसी लड़की ऐसा मेरा कोई टाइप नहीं है भाई कोई भी टाइप नहीं है मेरा मैं हमेशा ये कहा जिस दिन मुझे लगेगा कि बस दैट्स इट शी इज़ द वन दैट्स That day I'll decide कि हमने तो आपकी फैमिली आपके उस डिसीजन को सपोर्ट करेगी आपको होपफुली करेंगी क्योंकि अभी तक तो बहुत प्रेशर आ चुका है उनकी तरफ से लेकिन लाइक समझते भी इस बात को कि वो डिसीजन मेरा होना चाहिए मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ आज क्योंकि आज शायद मेरी सुनते हैं लेकिन 5 साल पहले शायद मेरी नहीं सुनते थे लेकिन आज सुनते हैं थैंक यू मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा कि वक्त के साथ उन्होंने भी अपनी सोच अपने नज़रिए को बदला मैम डिड यू फील प्रेशर सच अ बिग शो ये रिश्ता का कहलाता है कि का एक प्रेशर है आपको इस शो को लेकर आई थिंक प्रेशर कॉम्पिटिशन नहीं है प्रेशर है बिकॉज इट्स सच अ बिग लेगेसी एंड और हमारे कंधों पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड 10 साल से चल रहा है वो शो और उसका स्पिन ऑफ है सो या
प्रेशर तो है यस बट देन आई ट्राई नॉट टू टेक एनी प्रेशर एंड दिमाग को थोड़ा फ्री रख के काम करूँ तभी यू नो आप जो परफॉर्म कर रहे हो ऑडियंस तक पहुँच सकता है यू नो इट्स वेरी आई थिंक हम जैसे देख रहे हैं इस शो को एक अलग शो एक अलग मुद्दा उठाया है तो उसका हमें जो दूसरा शो है स्पिन ऑफ का उससे काफ़ी अलग है लेकिन उसका ये फ़ायदा है हमें कि वो परिवार आगे बढ़ रहा है तो लोग जानते हैं उस परिवार को मिस्टी के कैरेक्टर को लोग जानते हैं जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट होने से ज़्यादा ये है हमारे लिए कि पॉजिटिव है माइक थोड़ा मिडिल में करूँ जी ने ज़्यादा काम किया उनके साथ तो बताएंगे जी मैंने जो ये रिश्ता के पुराने जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके साथ मैंने काम किया दे वेरी पॉजिटिव वेरी वार्म इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट डे गई सेट पे तभी मुझे लगा कि यार सच लाइक मुझे फैमिली जैसा फीलिंग है वाइब्स आई उनसे तो या इट वॉज वेरी नाइस एक्चुअली इतनी देर काम करते करते साथ में वो फैमिली जैसा माहौल ही बन जाता है सेट पे क्योंकि आप दिन में 12 घंटे एक दूसरे के साथ बिताते हैं रोज़ बात करते हैं साथ में चाय पीते हैं साथ में वक्त बिताते हैं तो फैमिली जैसा माहौल बन ही जाता है जो बहुत अच्छी बात है क्या विशेष थी आपको सिस्टर अच्छा all the best and you know she's very happy to see me like in the spin off because like hum log pehle bhi mile the star parivar ke time when I was doing Suraj so yeah we are very excited to work together thank you एक मिनट अरे और जितना आई थिंक जब भी कोई कैरेक्टर पे करते हैं आई थिंक उस कैरेक्टर से बहुत कुछ लेते भी हैं और बहुत कुछ देते भी हैं सो आई एम ऑलरेडी टेकिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस कैरेक्टर एज ही इज वेरी पंचुअल वेरी पर्टिकुलर अबाउट सम ऑफ हिज थिंग्स एंड उस कैरेक्टर पे मैं बहुत कुछ दूंगा जो आपको शो में देखने को मिलेगा किस तरह की शादी में बिलीव है मैरिज आई थिंक मैरिज में बिलीव है कोई भी मिल जाए अभी ऐसा है क्या हाँ मतलब मेरे कैरेक्टर की ज़्यादा कुछ प्रेफरेंस नहीं है ही इज़ नॉट अ डाई हार्ड रोमांटिक कि कोई लड़की आएगी मेरे ख्वाबों में नहीं इतना नहीं है बट अगर शादी फिक्स हो जाए शादी हो जाए इफ़ द गर्ल अग्रीज तो फिर वो रोमांटिक अपने जेस्चर्स शो करता है और आपका तो शो के लिए काफ़ी प्रिटी आप लग रहे हैं यंग थैंक यू तो किस तरह की तैयारी की आपने शो के लिए मुझे एक्चुअली बहुत प्रिपरेशन करना पड़ा बिकॉज मैं हूँ भी वैसी कुहू जैसी और नई भी हूँ तो ऐसे यूजुअली अगर देखा जाता मेरी लुक्स में काफ़ी कुछ वर्क किया गया है मेरे बालों पे मेरे कपड़ों पे जूतों पे आजकल के ज़माने की एकदम यो टाइप की लड़की है बिंदास बात करें आपके कैरेक्टर की बहुत अलग ही दिख रहा आप अपनी बहन से हाँ मिष्टी और कुहू एकदम दे डोंट गेट अलॉन्ग एट ऑल मतलब हमेशा लड़ाई करते रहते बिकॉज वो है भी बहुत अलग पढ़ाकू टाइप की और मैं बिल्कुल वैसे मैं 57 मार्क्स ला के खुश रहती हूँ और वो 95 लाकर सबका दिल जीत लेती है तो मुझे इस चीज़ से बहुत यू नो मैं बहुत गुस्सा होती हूँ उससे और हम काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी करते हैं शादी करके बात करते हैं उसमें आपका क्या ओपिनियन है कि शादी मेरे हिसाब से तो बस शादी कैसे भी हो प्यार होना चाहिए और कोई ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है कि शादी इससे करना है या सोच के करना है या अभी नहीं करना या झट नहीं करना या फैमिली की बात नहीं सुननी या जो भी बट मुझे ऐसा लगता है बस प्यार हो गया कोई पसंद आ गया तो बस कर लो क्या सोचना सेम क्वेश्चन आज आपसे आप लव में बिलीव करते हैं या फिर मैं एज अ पर्सन लव में बिलीव करता हूँ बट एज अ कैरेक्टर मैं लव में इतना बिलीव नहीं करता बट ये बिलीव करता हूँ कि अगर मेरी किसी के साथ शादी फिक्स हो गई है सो आई नीड टू बी लॉयल टू हर एंड आई नीड टू बी एक्सप्रेसिव इन द टर्म्स ऑफ रोमांस के एक जेस्चर करूँ मैं कुछ जेस्चर करूँ एंड यू नो फ्लावर्स भिजवाऊँ या फिर कुछ भी करूँ बट इतना डाई हार्ड रोमांटिक नहीं हूँ बट एज अ पर्सन आई थिंक मैं हूँ थोड़ा रोमांटिक एंड अब क्या बताएं जब इंसान तो हो ही जाता है रोमांटिक सब रिलेशनशिप ऑलरेडी बिग शो लाइक ये रिश्ता इज अ बिग हिट इन द टेलीविजन टेन्योर
आपको क्या लगता है, आप लोग प्रेशर है कि इस शो को प्रेशर? आई डोंट थिंक प्रेशर, तो एक्चुअली प्रेशर इट्स द काइंड ऑफ पीपल यू आर वर्किंग विद. तो हम जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आप लोग तो उस टीम को जानते हैं, इतने सालों से वो है, 10 साल से दे आर रूलिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल. तो मुझे तो उनके साथ काम करके प्रेशर शुरू में आया था, बट देन सो मच फन. प्रेशर से, हाँ, प्रेशर से क्या होता है कि आपको अंदर से और अच्छा परफॉर्म करने की मोटिवेशन आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लोग देखेंगे आपको. स्टार प्लस जैसा बड़ा चैनल है, राजन साई सर प्रोड्यूसर हैं, तो ऑब्वियसली एवरीवन इज़ गोइंग टू, मतलब एक बार तो देखेंगे कि बना क्या, क्योंकि बादशाह सॉन्ग गा रहा है, इतनी बड़ी बात है. सो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर है, बट वो प्रेशर को हम पॉजिटिव वे में ही ले रहे हैं एंड वी गिविंग आवर बेस्ट. कार्तिक और नायरा से हमारी बात हुई नहीं है, मेरी हुई है एंड आई फाउंड देम, मेरी कार्तिक से हुई है एंड इज़ अ रियली नाइस गाय एंड बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो जो महासंगम होते हैं एंड जब हम उनके. क्या आपने देखा है उनके किरदार? जी 10 साल से आ रहा है, तो मैं तो स्कूल में था. मैं भी. तो हम दोनों तो बहुत छोटे छोटे थे जब वो आया. हम देखते थे. या बिकॉज सब देखते थे, सबके घरों में रिश्ता चल रहा होता था एंड हिना खान एंड नैतिक एंड एवरीवन, हर किसी के अपने फेवरेट कैरेक्टर्स थे, हर कोई किसी ना किसी कैरेक्टर से कनेक्टेड था. तो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट लेगेसी, आई थिंक इट्स अ रियल प्रिविलेज फॉर अस एंड रियली लकी टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस लेगेसी. आखिर में ऑडियंस के लिए क्या आपका मैसेज है दोनों का ये है कि यू नो प्लीज ये शो देखिए, वॉच द शो एंड शेयर योर लव एंड ब्लेसिंग्स. यस, जैसे आपने ये रिश्ते प्यार को, ये रिश्ते क्या कहलाता है, जितना प्यार दिया है उतना ही प्यार आप हमें भी, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पूछा था ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसका आंसर भी हम ले आए कि ये रिश्ते हैं प्यार के. सो जितना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, उतना ही इंटरेस्टिंग आंसर होने वाला है. एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है, इससे बहुत अलग होने वाला है एंड सिमिलर भी होने वाला है कुछ पार्ट. थैंक यू, थैंक यू. ये अच्छा लग रहा है कि अभी 9:30 बजे रिश्ता का कहलाता आता है, उसके बाद आप 9:30 से देखना शुरू करेंगे, 9:30 बजे से देखना, तो ये एक एक्सटेंशन है रिश्ता का कहलाता है. तो अच्छा लगता है कि एक 1 आवर का एक बैंड बन जाएगा और जिन ऑडियंसेस ने सराहा देखा है रिश्ता का कहलाता है, वो भी आके देखे शो के, नए ऑडियंसेस भी आए, तो अच्छा लगा. सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, पहली बात तो आपको शो के लिए, और ये 2019 बहुत ही यार, दो नए नए शो आ चुके हैं, ये शो का इमेजिन कब आया था, स्क्रिप्ट आपने कब लिखी? दो शो आ गए बट टिकने भी चाहिए. ठीक है, वो ज़रूरी है. तो ये हमने कुछ महीने ही हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ महीने पहले चैनल के साथ हम बैठे हुए थे सारे राइटर्स और टीम, हमें डिस्कस किया कि हम क्यों नहीं एक एक्सटेंशन करते रिश्ता का कहलाता का, जिसके अपनी इंडिपेंडेंट स्टोरी होगी, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स होंगे, और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे हमारे पास कुहू और मिश्ती के, और पहले दिखा चुके हैं उनके साथ, मिश्ती का कनेक्ट कार्तिक के साथ था, नायरा के साथ था, कुहू अक्षरा के भाई की इलिजिटमेट डॉटर थी. तो लगा एक बहुत अच्छी कहानी कहने का हमारे पास, दो लड़कियों की जर्नी के बारे में कहने का हमारे पास एक मौका था, और उसके साथ एक अच्छी ऑडियंस विच टॉक्स अबाउट लव मैरिज रिलेशनशिप इन 2019, उसका मौका था. उसके साथ फिर डिस्कशन हुआ राजवंश फैमिली का, जहाँ पर हमारे शाहिर और ऋत्विक हैं और रूपल जी जो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर मीनाक्षी का. सो अच्छे कैरेक्टर जब माइंड पर आए तो सोचा कि हम एक इसको एक्सटेंडेड 1 आवर वर्जन बना लें. ओके सर, विलन के रोल में? हाँ, वक्त होगा विलन. हाँ, मगर मेरे हिसाब से एक जैसे अभीर का कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जो शहीद प्ले कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. ऐसा आई थिंक मैंने रिश्ता में या मैंने कोई बाकी शोज में वैसा कैरेक्टर ज़्यादा देखा नहीं है. बहुत सरप्राइज होंगी ऑडियंस उसका टेक देख के, उसका एटीट्यूड देख के, एक्सप्रेशन देख के. उसी तरीके से मीनाक्षी जो रूपल जी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने साथिया में बहुत एक ऑथरबैक रोल प्ले किया था, उनका कैरेक्टर बहुत इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग है. और आई वुडंट कॉल हर विलन, बट शी इज समबडी यू माइट नॉट लाइक हर, बट यू लव टू हेट हर. आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. नायरा का कैरेक्टर बिल्कुल ही ऑपोजिट है मिश्ती के. नायरा मुँह फट थी अब जब हमने इंट्रोड्यूस किया था उनको ऋषिकेश में, जो मन में आता है वो बोल देती है, और यू नो शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल.
Mishti ke andar, though she has a very strong opinion about things, but she's a little more quiet, a little more softer approach in life. Soch samajh ke bolti hai, sochti bahut hai. You know, jaise hamari Naira pehle bolti thi aur fir baad mein sochti thi. Ye ladki Mishti pehle sochti hai, fir bolti hai. Okay, sir, ek aakhri sawal poochunga, sir. जैसे कि शो में आप पूरी फैमिली लेकर आते हैं, एक फैमिली जोड़ते हैं, तो कोई फिल्म आप लेकर आएंगे? फिल्म बनाएंगे, बनाएंगे. असल में लास्ट टाइम में आपसे पूछा था कोई शो आपका आएगा, तो आपने बोला था आने वाला है ये शो, तो फिल्मों में कभी आप करेंगे? फिल्म का भी है, अभी अभी तो कंसोलिडेट कर रहे हैं ये शोज़, अभी जो दोनों शोज़ अभी लॉन्च हुए हैं और रिश्ता को कंसोलिडेट करना है. आगे जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, अच्छी वो होगी, तो फिर फिल्मों में भी काम करेंगे. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक सो मच गाइस, थैंक यू.